कश्मीरी प्राउड फील कर रहे हैं। कश्मीरी हर नौजवान जो उनको थमा देते थे, हाथों में बंदूक थमा देते थे, हाथों में पत्थर थमा देते, आज वही प्राउडली कहते हैं कि हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। ये कश्मीरी की ज़बानी आप हर बच्चे से सुन रहे, हर बच्चा आज यही सुना रहा है कश्मीर की ज़बान से, कश्मीरी सिटीज़न ये सुना रहे, और हम बहुत खुशहाल है। हम चाहते हैं कि हर एक देश तरक्की अमन अमान से रहे। हमारा हर एक के लिए यही पैगाम है कि अगर आपको तरक्की करनी है, आपको अपने मुल्क में शांति लानी है, अमन से हर एक डेवलपमेंट हो सकती है। अब जब यूनाइटेड नेशन में रियल सिटीज़न आप कश्मीर जाने लगे, वो अपने कश्मीर पे खुद अपने कश्मीर की मदों पर बात करने लगे, तो वो सबसे बड़ा तमाचा है उन फेक स्पॉन्सर्स के लिए जो खुद की आइडेंटिटी कश्मीरी दिखा रहे हैं, जबकि वाया लंदन उनकी सिटीज़नशिप है। हम कश्मीर की मुद्दा पर बात करेंगे, हमें कश्मीर का पूरा पता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पर कितनी डेवलपमेंट है, और हमारे कश्मीर में अब आए दिन कितने इंडस्ट्रीज़ का प्रोजेक्ट्स बन रहा आने के लिए, और कितना आगे जा। हमारा सिर्फ फोकस है डेवलपमेंट के, हमारा फोकस है हमारे J&K में अमन शांति रहे। और मैं सल्यूट करती हूँ अपने इंडियन कश्मीरी यूथ को, जिन्होंने अभी ऐसा माहौल रखा है, उन्होंने अमन से उनको तमाचा मारा है, जो बड़े बड़े प्रोपेगेंडा करने वाले उधर बैठे थे। अदरवाइज़ आप देखो कि आजकल की डेट में कश्मीरी यूथ हेट गन कल्चर को कर रहे हैं, और उनके हाथों में अगर आप देखोगे लैपटॉप है, बुक है, और आपको देखने को मिलता है क्रिकेट खेल रहे हैं, और बिल्कुल शांत है, फ्रेश माइंड रखते हैं, अमन पीस है। उनको ये चीज़ नहीं है कि हम दंगे करें, जो पाकिस्तान के नापाक इरादे थे, उन सभी नापाक इरादों को कश्मीरियों ने अब अमन से नाकाम करा दिया है। आप देखिए कश्मीरी इंडियन कश्मीरी वुमेन्स का एम्पावरमेंट, आप देखिए हर चीज़ में उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिल रही है, रिजर्वेशंस मिल रहे हैं। उसके साथ कंपेयर करो गिलगित बल्टिस्तान की लेडीज़ को, POJK की लेडीज़ को, उनको पाकिस्तान आर्मी ने अयाशी का अड्डा बनाया है, उनकी उन्हीं के इशारों पर उठना है, बैठना है, नाचना है। उनको तशद्दुद करते हैं, एक खाने के निवाले पर उनको तशद्दुद कर रहे हैं। एम्पावरमेंट तो दूर की बात है, हमारा कश्मीर तो बहुत आगे जा रहे हैं, वो तो अभी ग्रूमिंग में चल रहा है। वहाँ पर क्या नहीं, आप देखो रोड की फैसिलिटीज़, बड़ी बड़ी टूरिज्म के हवाले से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ अब हमारे इंडियन कश्मीर में आ रहे हैं, और उसके हवाले से हमारे माशरे, हमारे कश्मीर के यूथ के बेरोज़गारी ख़त्म है। हमारा कश्मीर बहुत आगे अब जा रहा है, हमें उस पर फोकस है। हमारे इंडियन कश्मीर में कितने बड़े बड़े हाईवेज़ बन रहे, रोड बन रहे, ट्रेन स्टेशनस बन रहे, और उनके देखो POJK में क्या है, वहाँ पर पब्लिक डोनेट करके अपने रोड बना रहे हैं। ये हालत है POJK की। लेकिन मुझे कहते हैं वो आजाद है, आजाद कश्मीर में नहीं, कौन सी आज़ाद, उनको कौन सी आज़ादी है? फिर उनके वुमेन्स को कम से कम पावर होते, फिर वो एम्पावर्ड होते? वहाँ तो मेल एम्पावर्ड नहीं है, वहाँ जेंडर इक्वलिटी नहीं है, वहाँ यूनिटी नहीं है, आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा। वो ऐसे ही प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। POJK के लोगों से आप सुनो, वो रियलिटी बयां कर रहे हैं। वो तरस रहे खाने के निवाले के लिए, वो तरस रहे हॉस्पिटलिटी के लिए। उनको रावलपिंडी जाना पड़ता, कराची जाना पड़ता है, जब उनको टेस्ट करने पड़ते, फुल लिक्विड प्रोफाइल उनको करना पड़ता, उसके लिए उनको हमारे देखो 2812 हॉस्पिटल्स है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। वो सपने में भी कंपेयर खुद को इस कश्मीर के साथ नहीं कर सकते, इंडियन कश्मीर के साथ। जो सिटून पाल्टिंग बंद हुई हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर करवा रही थी, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस क्रिएट करवा रही थी, और वहाँ पर दंगे करवा रहे थे, आपस में लोगों को सिविलियन को लड़वा रहे थे J&K पुलिस के साथ, कम से कम उन चीज़ों से हमें छुटकारा मिला है। अभी हमारा कश्मीर बहुत आगे जा रहा है। आप देखो हमारी कश्मीर की नौजवान लड़की अभी IPS ऑफिसर बनने जा रहे, AP KS ऑफिसर बनने जा रहे, IAS ऑफिसर बनने जा रहे, और हमारा यूथ अभी कितना आगे बढ़ रहा है एजुकेशन के हवाले से। अभी बड़े बड़े ऑफिसर रैंक्स में वो आ रहे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में जा रहे, अभी बहुत अच्छी खासी डेवलपमेंट हो रही है। और हमारे खासकर यूथ का जो माइंड सेटअप चेंज हुआ है, उनको पता है
कि जो खुद जिनको खुद अपनी कंट्री संभालनी नहीं आ रही है, जिनको खुद कोई कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर है नहीं, वो हमें क्या सिखा सकते, वो हमें गाइड क्या कर सकते हैं। वो खाली ये पहले प्रोपेगेंडा चल रहा है, अभी स्मूथली कश्मीर का जो सिचुएशन है प्रेजेंट की वो माशाल्लाह डेवलपमेंट की तरफ होने जा रही है। ये पूरा वर्ल्ड जानता है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी की GDP अभी 5वें नंबर पर है पूरे वर्ल्ड की लिस्ट में, और आने वाले 2-3 साल तक माशाल्लाह हमारी 3रे नंबर पर आ जाएगी। तो इससे बढ़कर और क्या मिल सकता है? कश्मीरी तो खुश खुश आले अमन तरक्की है, वो तो उनको अमन से जवाब दे रहे हैं, हम उनको रियलिटी ग्राउंड सिचुएशन कश्मीर की बता रहे हैं। यहाँ पर देखो हमारी हॉस्पिटलिटी कैसी है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर हर हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी स्कीम्स दिए हैं, हर घर में एक बंदे को 5-5 लाख का स्कीम है, उसको फ्री सर्जरी 5 लाख तक है। मुझे बताइए हर एक घर में 2 बंदे को ओल्ड एज फंड मिल रहा है हर मंथ। मुझे बताइए हमारी J&K के हर घर को फ्री राशन मिल रहा है। वो क्या कंपेयर करेंगे हमारे साथ खुद को? वो रोना नहीं रोएंगे तो और क्या करेंगे?